हूँ कि ज्योति मेमोरिया का नाम मीडिया में इतना उछाला गया, उसको शर्मसार कर दिया गया, लेकिन जो मनीष दुबे है उसका तो नाम ही नहीं आया, जबकि आना चाहिए था। खेल में किसी जगह महिलाएं आज क्या नहीं कर रही हैं, लेकिन अपने बेटी को मैं कैसे भेज सकती हूँ, जहाँ ब्रिजभूषण दुबे का है वहाँ मोदी जी का वहाँ संरक्षण, उनके ऊपर तैयारे नहीं हो रहा, तो ये महिलाएं क्या कर रही हैं, परेशान हैं, परेशान होकर के आत्महत्या कर रही हैं। हमारे दलित और फॉरवर्ड अभी लड़कियों को बाहर भेजना शुरू किए हैं, पढ़ाना शुरू किए हैं, अगर मीडिया पे ये लोग उछाल रहे हैं ताकि ये शर्मिंदा होकर अपने बेटी को घर में रखें। और वही हुआ भी 128 महिलाएं जो गई थी पढ़ने के लिए बाहर, उनके पति जो हैं बुला लिए घर पे। मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर में कुछ मेरी सामाजिक और राजनीतिक महिलाओं से मुलाकात हो रही है। इसमें नाम है आपका सीमा यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष गाजीपुर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त पूरे भारत में मौर्या का नाम चर्चा बहुत है, उस संबंध में आपका एक महिला होते हुए क्या आप सोच रही हैं? मैं सोच रही हूं कि जैसे ज्योति मौर्या का नाम आया, उसी तरह से मनीष दुबे का नाम क्यों नहीं आया? पूरे भारत में सबसे गलत मनीष दुबे है जी, उनका नाम आना चाहिए। उनसे क्या डर है मोदी जी को, हमारे योगी जी को क्या डर है कि वो उनका नाम नहीं ले रहे? एक बार उनके न मीडिया पर न कहीं उनका नाम ही नहीं आता जी। और मौर्या का नाम आकर के एक महिला होने के नाते तमाम उसके ऊपर आरोप लगा कर के, हम एक महिला होने के नाते मैं उस इस ज्योति मौर्या के साथ जो हुआ मैं और निंदा करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए जांच हो, उसका व्यक्तिगत मामला था, इसमें ऐसे हमको या किसी को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई वो नहीं। ठीक है, हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान महिलाओं को और पुरुष प्रधान देश है, हम लोग चाहते हैं कि पुरुष आगे रहे, लेकिन महिलाओं का सम्मान करते हुए। मणिपुर की घटना हुई है, हमारी बेटी हमारी बहनों को नंगा करके घुमाया गया, ये बहुत निंदा है, बहुत दुखी हूँ मैं, और हम महिलाओं इसकी घोर निंदा करते हूँ। हम लोग नहीं चाहते इस तरह की घटनाएं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, हमारे छोटी छोटी बच्चियाँ नाबालिग हैं वो बलात्कार की जा रही हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये कहाँ मोदी जोगी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन इनका कहाँ है? ये सब हम लोगों महिलाओं के साथ इस सरकार में बहुत अन्याय हो रहा है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं और इसकी मांग करते हैं उसके साथ न्याय होना चाहिए। अभी कुछ और महिलाएं हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूं आपका, मैंने आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम कंचन रावत है जी। मैं समाजवादी से जिला उपाध्यक्ष हूँ जी। और सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ। चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहती हूँ कि ज्योति मेमोरिया का नाम मीडिया में इतना उछाला गया, उसको शर्मसार कर दिया गया, लेकिन जो मनीष दुबे है उसका तो कोई मनीष कश्यप उसका तो नाम ही नहीं आया, जबकि आना चाहिए था। लेकिन मोदी जी का जो एक संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मोदी सरकार में कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं तो सुरक्षित हैं नहीं, आए दिन बलात्कार होते रहते हैं, कहाँ सरकार है? अभी ये 4 जून की घटनाएँ हैं, चार मई की ये जो घटनाएं हैं उसका केस रिओपन हुआ 18 जुलाई को, उससे 2 महीने पहले कहाँ थी? जबकि उस सरकार में बीजेपी का ही शासन है, तो वहाँ के जो मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, क्यों बैठे हुए हैं, उसका कोई रीजन हो? मनीष दुबे का नाम नहीं आने पे आप क्या सोच रही हैं? मनीष दुबे का नाम न आने पे बहुत दुखी हैं हम, आखिर में उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? मीडिया उनको ना उनको मोदी और मोदी योगी के उनका संरक्षण है, इसलिए उनका नाम नहीं आ रहा है। सही है, हाँ। पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है जी, पहलवानों के साथ अन्याय, महिला पहलवान है कैसे लोग अपने बेटियों को भेजेंगे लोग किसी खेल में किसी जगह महिलाएं आज क्या नहीं कर रही हैं, लेकिन अपने बेटी को मैं कैसे भेज सकती हूँ,
जहाँ ब्रिज भूषण दुबे का है वहाँ मोदी जी का वहाँ संरक्षण उनके ऊपर तैयार ही नहीं हो रहा। तो ये महिलाएं क्या कर रही हैं, परेशान हैं, परेशान होकर के आत्महत्या कर रही हैं। एक महिला और बच्ची है जी, मैं इनसे भी जाना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताइए और बताइए कि आज मनीष दुबे का नाम उतना मीडिया में ना आने पे आप क्या सोच रही हैं? इसमें फॉरवर्डो की जो लड़ाई है ना हमारे दलित और बैकवर्ड पे, ये सफल बनाने के लिए साजिश है। अच्छा, ये बहुत बड़ी साजिश है, हमारे दलित और फॉरवर्डो को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे ही हमारे दलित और फॉरवर्ड अभी लड़कियों को बाहर भेजना शुरू किए हैं, पढ़ाना शुरू किए हैं, अगर मीडिया पे ये लोग उछाल रहे हैं ताकि ये शर्मिंदा होकर अपने बेटी को घर में रखें। वही हुआ भी 128 महिलाएं जो गई थी पढ़ने के लिए बाहर, उनके पति जो है बुला लिए घर पे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो मनीष दुबे का नाम नहीं आने पे आप क्या कुछ कह रहे हैं? मनीष दुबे का जब अगर मनीष दुबे की सबसे बड़ी गलती है वो एक बैकवर्ड महिला के साथ गलत किया, उसको पहले फंसाया, गुमराह किया, एक अधिकारी रैंक की महिला थी, अगर समाज को देखना है तो जिस तरह से महिलाओं को घर बुला रहे हैं पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उस तरह बच्चों पे भी पाबंदी लगाएं कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो पढ़ने क्योंकि तुम भी गलत कर रहे हो। क्यों नहीं हमारी समाज कभी लड़कों की गलती देती है, पुरुषों की गलती, क्यों हमेशा महिलाओं की गलती दी जाती है? इसको हमारे समाज को समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दोनों की गलती है। इसलिए मनीष दुबे को नाम इसलिए हमारे लोग नहीं ला रहे हैं, मीडिया वाले हो या हमारी जनता भी है, हमारे साथ सब लोग हैं, वो इसलिए नहीं ला रहे हैं कि हमारे फॉरवर्डों की पढ़ाई बंद हो जाएगी। जब आप जी, मैं जानना चाहता हूँ कि नारायण दत्त तिवारी ने जो एक बैकवर्ड लेडी के साथ में बच्चा पैदा हुआ था उसके डीएनए टेस्ट किया था, उस संबंध में क्या संदेश देना चाहते हैं? वही करना चाह रहे हैं ना, नारायण दत्त तिवारी भी तो फॉरवर्ड थे और हमेशा ये लोग बैकवर्ड महिलाओं के साथ ही गलत क्यों करते हैं, दलित महिलाओं के साथ गलत क्यों करते हैं? उनके बिरादरी में महिलाएं नहीं हैं, क्यों हमारी महिलाओं को बदनाम करते हैं ताकि हमारी महिलाएं घर से बाहर ना निकलें? उनकी साजिश होती है और हमारी सीधी साधी महिलाएं उनके साजिश में फंस जाती हैं, जिससे हमारे समाज की लड़कियों का इस पर प्रभाव पड़ता है। ये बहुत देखा आपने, अभी हमारी महिलाओं का कहना यह है कि हमारी दलित और ओबीसी बच्चियों को फॉरवर्ड क्लास के लोग जो हैं फंसाते हैं चंगुन में, और चंगुन फंसाने के बाद गलत है, हत्या कि उनका नाम तक नहीं आता है। इसी देखिए आप, मनीष दुबे का नाम कम लोग जानते हैं जितना उस महिला मोरिया का नाम अधिक जानते हैं, नारायण दत्त तिवारी का नाम कम जानते हैं जिनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्हें न्याय मिली थी। ये महिलाएं संदेश देना चाहती हैं अपने परिवार के ओबीसी बैकवर्ड एसटी की तमाम महिलाओं माइनॉरिटी के कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक अब आगे नहीं बढ़ेंगे, और दुष्प्रचार करके हमारी बच्चियों को शिक्षा से रोकने के लिए ऐसा काम किया गया है। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।